मी शिवा उपाध्याय हैशटैग नोनो वेलकम टू माय चैनल। आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैं आज फ्रेश हो गई हूँ, नहा लिया है मैंने और अब आपका वेलकम कर रही हूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि आपके साथ में मैं गेट रेडी शूट कर लेते हूँ। तो चलिए हल्का सा मेकअप करते हैं फिर बाहर निकलते हैं। तो जो भी मेकअप न्यूड मेकअप होगा और वो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करती हूँ। सो हेयर आई एम शिवा उपाध्याय। तो आप सब लोग पहले अपने बालों को पूरी तरह से टाई कर लें ताकि मेकअप करते समय आपके हेयर आपके फेस पे ना आए जो आपको प्रॉब्लम हो मेकअप करने के टाइम पे। सो जैसे भी आप लोग जो भी आप लोगों के पास हो उसके हिसाब से आप लोग अपने बाल को टाई कर लें। एंड द फर्स्ट स्टेप इज आप लोग अपने पूरे फेस को कवर कर लें। आप लोग अपने पूरे फेस को कवर कर लें एक टोनर से। जो भी आपके पास टोनर हो किसी भी ब्रांड का हो आप उसको अच्छे से अपने पूरे क्लीन फेस पे अप्लाई करें मसाज के साथ हल्के हल्के हाथों से। जैसे आप देख सकते हैं मैं अपने हर कॉर्नर से लेकर के पूरे फेस पे उसको अप्लाई कर रही हूँ। ऑब्जर्व करने के लिए 1 से 2 सेकेंड का टाइम दें उसको ताकि आपके पूरे फेस पे ऑब्जर्व हो सके, आपके स्किन टोन को ऑब्जर्व कर सकें। जैसे कि देख लिए आप लोग मैं कर रही हूँ। एंड द नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट यूज आप मैं अपना कैमरा सेट कर रही थी क्योंकि मुझे लग रहा था वो ज़्यादा नीचे जा रहा है ऊपर की तरफ, आप मेरा पूरा फेस आ पा रहा है या नहीं आ पा रहा है। एंड द सेकेंड स्टेप इज आप लोग कोई भी मॉइस्चराइज़र फेस पे यूज़ करें, अच्छा मॉइस्चराइज़र होना चाहिए ताकि वो आपके पोर्स को खोल सके, आपके स्किन पोर्स को, और उसमें अच्छे से अप्लाई हो पाए। अच्छी क्वांटिटी में आप लोग यूज़ करें उसको, पूरे फेस पे नेक पे कवर कर लें लेकिन फेस को बहुत अच्छे से मसाज करते हुए से पूरे फेस पे अप्लाई करें। ये मेरा न्यूड मेकअप लुक होने वाला है आज का, नो मेकअप न्यूड मेकअप यू कैन से। मैंने पूरे अपने फेस पे अच्छे से इसको अप्लाई किया है मसाज करते हुए हल्के हाथों से। इसके बाद थर्ड स्टेप होगा मेरा। इसके बाद आपके पास कोई भी फाउंडेशन हो क्रीम हो जो भी बहुत लाइट सा आपके पास अगर कोई भी क्रीम हो, बेबी क्रीम, पॉन्ड्स की बेबी क्रीम वगैरह, या फाउंडेशन भी हो तो आप उसको बहुत कम क्वांटिटी में यूज़ करें, अपने पूरे फेस पे उसको अप्लाई करें बहुत हल्की क्वांटिटी में। जैसे कि देखिए अभी मैं यूज़ करूँगी, मुझे मिल नहीं रहा था, थोड़ा सा दूर था इस वजह से मैं ढूंढ रही थी। सारा सामान एक्चुअली इधर उधर पड़ा हुआ था और मैंने रैंडमली शूट करना शुरू कर दिया था, इस वजह से मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी कहाँ है सामान वगैरह करके, बट मुझे मिला। मैं अभी तक ढूंढ ही रही हूँ। जैसे मैं आपको फास्ट डिलीवर कर रही हूँ, जैसे कोई भी क्रीम हो जो लाइट वेटेड हो, जो भी आपको अच्छी लगे, फाउंडेशन नहीं लगाना हो आपको अपने फेस पे तो कोई भी लाइट वेटेड क्रीम आप अपने पूरे फेस पे यूज़ कर सकते हैं एज अ फाउंडेशन। ओके सॉरी मैं इतनी देर से आप लोगों को फाउंडेशन बोल रही हूँ, पहले आपको अपने फेस पे कंसीलर यूज़ करना है। एक्चुअली आई एम सो सॉरी गाइस, कंसीलर यूज़ करना है जो भी आपका स्किन टोन हो। अगर आपके डार्क सर्कल है तो मेरे डार्क सर्कल्स नहीं हैं और ना कोई फेस पे मार्क्स है, इसकी वजह से मैं पिंक कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। आप लोगों के है तो आप अपने स्किन टोन के अकॉर्डिंग कंसीलर को यूज़ करें अपने उस एरिया पे फेस के जहाँ पे आपके मार्क्स हों या डार्क सर्कल्स हों फेस पे, अंडर आइज और लिप्स, अपर लिप्स वगैरह पे, जिसके भी जहाँ पे भी डार्क सर्कल्स हो वहाँ पे वो यूज़ करें और उसको अच्छे से अप्लाई करें। इसके ऊपर आपको फाउंडेशन यूज़ करना है और जैसे मैं अपने हाथों से यूज़ कर रही हूँ, मैं पफ यूज़ नहीं कर रही हूँ ना कोई भी ब्रश यूज़ कर रही हूँ,
उसके बाद आप देखिए, मैंने फाउंडेशन यूज़ किया, बहुत लाइट वेट में यूज़ किया है, बहुत ही ज़्यादा लाइट में, बस टिप 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 ऐसे से किया है। तो आप लोग भी बहुत लाइट वेट यूज़ करें अगर फाउंडेशन है तो, बेटर नहीं है तो कोई भी क्रीम। और मैं ब्रश के बिना अपने हाथ, उंगलियों के फिंगर के फिंगर हेल्प से अपने अंडर आइज में यूज़ कर रही हूँ। हो सकता है कि मुझे बोलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही हो, इसलिए मुझे वॉइस ओवर में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है एक्चुअली ना, इसलिए मैं अच्छे से रिकॉर्ड नहीं कर पाती हूँ। मैं अभी भी रिकॉर्डिंग कर रही हूँ तो बोलने में हो सकता है मुझे प्रॉब्लम हो, तो मैंने शूट किया, प्लीज़ मेरे उसकी हेल्प से आप लोग समझिए। एक मैंने स्पंज यूज़ किया है अंडर आइज के बाद, पूरे फेस को फाउंडेशन से कवर करने के लिए मैंने स्पंज यूज़ किया है, जो कि हल्का हल्का सा वेट था। मैंने उसको हल्का सा पानी में डिप किया है, बहुत हल्का हल्का, और उसको पूरे फेस पे फाउंडेशन को कवरेज देते हुए यूज़ किया है, ताकि स्मूथली स्पंज से पूरा कवर कर ले फेस। बहुत नेचुरल सा मेकअप है, मतलब ना के बराबर फाउंडेशन था, जैसे लाइट वेटेड क्रीम हो या कुछ भी हो, इससे आप यूज़ कर सकते हैं इसको। बहुत हल्के हल्के हाथों से आप उसको यूज़ करें, बहुत हल्के हल्के से, आराम से, टाइम लेते हुए। उसके बाद मैंने कॉम्पैक्ट यूज़ किया है पूरे फेस पे, आपके पास कोई भी ब्रांड का कॉम्पैक्ट हो आप यूज़ कर सकते हैं, मेरे पास फिटमी का था, तो मैंने उसको पूरे फेस पे लाइट लाइट सा यूज़ किया है। मैंने नेक को भी कवर किया है, पूरे नेक को लाइट लाइट सा, ताकि फेस और नेक में डिफरेंस ना दिखे। वैसे भी न्यूड मेकअप था तो इतना ज़्यादा फर्क नहीं दिखता, पर फिर भी मैंने उसको कवर किया है कवरेज देते हुए। फिर मेरा आई मेकअप का आता है, तो मैंने नेचुरल मेकअप के लिए ये येलो सा शेड था, मतलब नेचुरल शेड था, उसको आई के ऊपर कवर करते हुए लगाया है लाइट लाइट सा। मैंने फिंगर यूज़ किया है, सबके किसी के पास ब्रश हो तो आप लोग ब्रश से यूज़ कर सकते हैं, जिनको पता हो, आदत हो, जिनको करना आता हो, वो सब कर सकते हैं। मेरे पास इतना अच्छा ब्रश नहीं है तो मैंने फिंगर की हेल्प से अपने आई कवर किया है इस मेकअप के लिए, बहुत नेचुरल सा है जो पता भी नहीं चलेगा रियल में। दोनों आईज को कवर करते हुए नेचुरल सा येलो शेडेड था, स्किन कलर का ही था पैलेट में, तो वो मैंने यूज़ किया है जैसा कि मैंने आपको दिखाया शेड। ना मैं अपना आईब्रो फिल करूँगी, आज मैं ब्लैक पैलेट के ब्लैक आई शेडो से मैं अपना नेचुरल आईब्रो फिल कर रही हूँ, ये वाला शेड जैसे आप देख सकते हैं पैलेट के ब्लैक कलर से स्मोकी आईज में करती हूँ, उससे मैं अपना आईब्रो शेड कर रही हूँ। बहुत से लोग ब्राउन कलर यूज़ करते हैं, बट मुझे ब्लैक ही अच्छा लगता है, तो मैं ब्लैक ही यूज़ करती हूँ। और मेरे पैलेट में एक्चुअली ब्राउन कलर भी नहीं है, तो बी वेरी ऑनेस्ट, वरना मैं ट्राई करती और फिर जज करती, बट मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं ब्लैक ही यूज़ करती हूँ। बट ब्लैक भी नेचुरल बहुत प्यारा कलर आता है, आप उसे अपने आईब्रोज का शेप ले सकते हो और आईब्रोज फिल करते हुए उसको पूरी तरह से अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट बैलेंस करते हुए बना सकते हैं। फिर मैंने एब्रो बैलेंसिंग शेड से उसको बैलेंस किया है, ऐसे ही बस ऐसे ही कर दिया, शेड मार दिया। उसके बाद मैंने बिंदी लगा ली प्यारी सी, छोटी सी ब्लैक कलर की। एंड नाउ द लास्ट स्टेप इज व्हाट, लिपस्टिक। बट मैं उससे पहले आईलाइनर और मस्कारा भूल गई थी, जो कि मैं अप कर रही हूँ।
तो ये है मेरा आज का मेकअप, न्यूड मेकअप लुक। कुछ भी नहीं है, सिंपल जैसा मैंने आपको बताया, सिर्फ उतना ही है। तो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज आप सब लोग ट्राई करें इसको और मुझे बताइएगा कि ये कैसा था। सो चलिए इसी के साथ चलते हैं अब नीचे, कुछ खाते हैं और फिर निकलते हैं बाहर। वेटिंग सो ये था मेरा आज का मेकअप लुक। अगर आप सबको पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, इसे शेयर करें एंड ऐसे ही मेरी वीडियो को देखते रहें। सो कल फिर मिलते हैं इसी वीडियो के एक फिर कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो, एक नई सुबह के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा, अपनों के साथ रहिएगा और खुद से प्यार कीजिएगा। बाय बाय, गुड नाइट।